तो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू द रजाक, दिस इज योर बॉय चंदन रजाक। आज एक और राजगीर ट्रिप में एक और नए जगह पे आपको लेके आए, जो है मनियार मठ। आप इस वो जो मेन रास्ता है उधर चला जाएगा, वो राजगीर मार्केट और इस साइड चला जाएगा बोध गया, और इस रूट में अंदर आइएगा जयप्रकाश उद्यान के जस्ट सामने रास्ता है अंदर के तरफ, इधर आइएगा इस साइड तो पहले मिल जाएगा आपको मनियार मठ। उसके अंदर नेचर सफारी, इसका वीडियो डाल दिए है आप, नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज का अभी तक वीडियो नहीं देखे तो आई बटन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। और तो पहले चलते हैं अंदर मनियार मठ के अंदर और आप लोग को पहले यहाँ का सैर कराते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने लोग चलते हैं मनियार मठ के अंदर। देखिए, गार्डन बनाया गया दोनों साइड से और ये सामने है मठ, ये इसका ग्राउंड इतना बड़ा है, देख लीजिए, बाउंड्री चारों साइड से नजर आ रहा होगा। ये गेट है और चलते हैं ऊपर और आप लोग को दिखाते हैं। इधर मठ है सामने, ऊपर सामने मठ है, यही है मनियार मठ। यहाँ पे पहले सांप वगैरह का शायद पूजा होता था, हमको बस इतना ही पता, इसका ज्यादा डिटेल हमको मिला नहीं। चलते हैं नीचे और दिखाते हैं आप लोग को, चारों साइड घुमा देते हैं। देखिए, मेन मठ यही है, सेंटर में हम एकदम क्लोज से है ना, तो पूरा सीन आ नहीं पा रहा है। सांप वगैरह का यहाँ पूजा होता था, वो आया एक टांगे वाले भैया ऐसे बता रहे थे क्या कि नागमणि का यहाँ पूजा होता था, इसलिए हमको इसका पता नहीं, लेकिन हाँ स्नेक वगैरह का यहाँ पूजा होता था इतना तो पता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे भी स्टैचू था लेकिन गौतम नहीं, कोई स्नेक सांप का कोई स्टैचू था पता नहीं चल रहा, अब टूट गया तो हमको कैसे पता चलेगा, है कि नहीं भाई। तो जो बचा हुआ इतना सा छोटा सा नीचे पैर उड़ का है वो देख लीजिए, इस सारे में स्टैचू था, अभी नहीं है, टूट गया है। और चलिए, इसके नीचे भी एक सीढ़ी है, यहाँ भी चलते हैं कि कहाँ जाता है। इधर से सीढ़ी है फ्रेंड्स, ये जो नया नया स्टेप बना है, यहाँ पे लिखा है नया स्टेप जो बना था 1937 में बना था, शायद ये सब स्टेप शायद नया बना है, 1937 में बना था, ये सब स्टेप पहले नहीं था। और क्या, अंदर मठ के अंदर गए, मठ के अंदर गए तो मेरा होने लगा, समझ गए होंगे। ऐसे भी जाते हैं, एक बार फ्लैश जला के जाते हैं और फिर देखते हैं क्या है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आप लोग को, ये फ्लैश जलाए हुए हैं अभी, ये देखिए यहाँ पे अगरबत्ती अगरबत्ती लगा है, पूजा होता था यहाँ पे। यहाँ पे बता रहे हैं अंकल जी ना, मनसा देवी का एक्चुअली ये मंदिर था, स्थान था। चलिए बाहर चल के आपको यहाँ का कुछ इतिहास जो हमको पता चला है अभी अंकल जी से पूछे, वो बताए हमको, वो बताते हैं। बाहर निकलते हैं, देखिए ये दीवार उवाल में, हाँ देखिए प्रसाद वगैरह इधर ही रखा हुआ, इधर भी है। ओ भाई भाई, ये क्या है, देख रहे हैं, फ्लैश जलाए तब इतना दिख रहा, अंदर उस सिक्का का पैसा वैसा है जो ऐसे देते हैं। ओ भाई, चलते हैं बाहर फिर आपसे बात करते हैं आराम से। तो फ्रेंड्स, अभी आपको हम मनियार मठ घुमा रहे हैं, जो कि आप मेरे जस्ट पीछे देख पा रहे होंगे, इस सेट वगैरह नया लगा है, बहुत राजा भीमसार के समय का ही बहुत पुराना मंदिर है ये, एक्चुअली मनसा देवी का मंदिर है, जहाँ पे मनसा देवी जानते ही होंगे, सांपों का देवी एक तरह से समझ लीजिए, मनसा देवी का यहाँ अंदर में मठ के अंदर जहाँ अभी सीन दिखा है वहाँ टाइप का था, जहाँ पैसा वगैरह फेंका हुआ था वहाँ पे मनसा देवी का स्टैचू था, और बहुत सारा कलश भी था, बहुत पुराना पुराना मिट्टी का बर्तन भी मिला, वो सारा यहाँ से ले जाके नालंदा म्यूजियम में रखा गया है। और ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, ऐसा हो गया ही, मनसा देवी का इतना पुराना राजा भीमसार के समय का मंदिर है कि उस कलश में बहुत सारे सांप वगैरह आके टच किए, मतलब यहाँ सांपों का ही मेन पूजा होता था। तो फ्रेंड्स चलिए आपको इसका ग्राउंड दिखाते हैं मनियार मठ का, एक्चुअली ये सब क्या बना, बैठक उठक हो गया जो भी होगा, एक्चुअली इसका पूरा डिटेल कहीं पे हमको नहीं मिला है, डिटेल मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, आपको सारा बता ही देते। चलते हैं, इधर एक रास्ता है उधर चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं, इधर तो बगीचा ऊंचा है आप देख ही पा रहे होंगे, और चलते हैं इस साइड और दिखाते हैं आपको। चलिए, क्या है इधर, ये सामने मठ है, शेड नया बना है, एक्चुअली मठ मंदिर वही हुआ, और 1937 में ये सब जो है ना नया नया जो कंस्ट्रक्शन, ओ यहाँ पे आके क्लोज हो गया है, रास्ता क्लोज हो गया है, जो नया नया कंस्ट्रक्शन में भी आपको दिख रहा है ना, ये सब 1937 में बना है दोबारा। तो फ्रेंड्स गर्मी से हो गया हालत खराब, चलते हैं अब मनियार मठ से बाहर
और बाहर जाने से पहले बता दे, वो जो तीन कुआं नजर आ रहा है ना आपको, उसमें बता रहे थे यज्ञ वगैरह होता था उस समय, उसमें हवन वगैरह का काम होता था। चलते कुआं के पास चलते, देखते कितना गड्ढा है। उस गर्मी से हो गया है हालत खराब मेरा, जो बात है जैकेटो नहीं खोल रहे हैं, हम भी बड़ा ढीठ है। ये सब पुराना पुराना वाला स्ट्रक्चर है, देख लीजिए, दिख पा रहा होगा आपको, दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा, जैसा भी दिख पा रहा है अच्छा ही दिख पा रहा होगा, क्या कि हम हैं अच्छे ब्लॉगर, पता है आपको हम अच्छे ब्लॉगर। देखिए इसमें अब यार क्या, अब इसमें लीजिए देखिए इसमें अब क्या क्या भर दिया है, डस्ट बना कचरा उचरा भर रहा है। इसमें पहले हवन होता था बता रहे हैं, जैसा कि बताए हमको हवन होता था। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मनियार मठ का ब्लॉग, कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन मत दबाना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बी सेफ।